गुड इवनिंग क्लास, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। प्लीज मेक योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स। माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? एंड स्क्रीन इज विजिबल? कंफर्म करिए चैट बॉक्स में दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू और नॉट। आर्या, मेरी आवाज आ रही है आपको क्या? एम आई ऑडिबल टू यू? यस, ओके ओके। सो सो हम चैप्टर नंबर 6 सर्कल पढ़ रहे थे। तो सर्कल में हम क्या सब अभी तक पढ़े हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें चार टॉपिक्स पढ़ने थे। द फर्स्ट पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। सर्कल की कितने इक्वेशंस होती है, तो हमने 3 टाइप्स के इक्वेशन पढ़े थे। उसके बाद एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमने पढ़ा। सेकेंड इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी वो हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे। थर्ड इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी एंड फोर्थ वन इज डायरेक्टर सर्कल। तो आज हम ये तीनों छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स आज हम संभवतः कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। किसी भी सर्कल पे अगर टेंजेंट आती है तो उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी वो हम पहले डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद टेंजेंसी होने की कंडीशंस क्या होती है वो देखेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टर सर्कल देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो, नहीं तो और अगले क्लास में हम इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपका ये टॉपिक एंड हो जाएगा चैप्टर नंबर 6 सर्कल। उसके बाद हम फिर कॉनिक सेक्शन टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, ये सब हम पढ़ चुके थे। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 6.1, ये आपको बहुत पहले ही बनाने थे। और हाँ, तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टेंजेंट से। आज हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? टेंजेंट से। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट x1, y1 ऑन इट। हम यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। सो मैं लाइव बोर्ड पे चल रहा हूँ। अगर आपको कोई भी बीच में समझने में कठिनाई होगी तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और मेरे तरफ से अगर नेटवर्क का कुछ इशू आ जाए तो कोई एक व्यक्ति माइक ऑन करके मुझे आप इन्फॉर्म करोगे। सो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ स्टैंडर्ड सर्कल x2 + y2। स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड सर्कल की क्या होती है फॉर्मूला? x2 + y2 = r2। इसका मतलब यह हुआ, स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब इस सर्कल की ओरिजिन क्या है, इस सर्कल की सेंटर क्या है, ओरिजिन, इस सर्कल की सेंटर क्या है, दिस इज ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सर्कल x2 + y2 = r2। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, मीन्स इसकी सेंटर क्या होगी, ओरिजिन, इस सर्कल की सेंटर क्या होगी, ओरिजिन, दैट्स व्हाई x2 + y2 + r2। सो अभी हमें पढ़ने क्या है, अभी हमें हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक यह है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ स्टैंडर्ड सर्कल, एक स्टैंडर्ड सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, दिस इज आवर टॉपिक। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे एक सर्कल में ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले ये सर्कल क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस सर्कल की
सेंटर क्या होगी, ओरिजिन होगी। इस सर्कल की सेंटर क्या होगी, ओरिजिन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल से एक मैं टेंजेंट यहाँ पे पास किया, एक टेंजेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, टेंजेंट क्या होती है ये मैं पहले आपको बताता हूँ। अगर अगर एक सर्कल को, ये हमारा सर्कल है, तो सर्कल का आप कोई एक पॉइंट ले लो, तो यहाँ पे एक रेड डॉट में जहाँ पे किया हूँ आपको शायद दिख रहा हो, तो अगर कोई एक ऐसी लाइन आप ड्रॉ करोगे जो सिर्फ नहीं यहाँ पे टच हुआ, मैं फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप एक लाइन ऐसा ड्रॉ करोगे जो लाइन इस पॉइंट को टच करके जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। आपके बुक में टेंजेंट के डेफिनेशन दी हुई होगी, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन कोइंसिडेंट पॉइंट देन दैट लाइन इज कॉल्ड एज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज दिस रेड डॉट इज कॉल्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस लाइन इज द टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये टेंजेंट टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज आपने इससे पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, नाइन्थ अथवा टेंथ में सर्कल जब आप पढ़े होंगे, तो दिस इज सेंटर। तो सेंटर से अगर ये रेडियस को अगर आप टेंजेंट पे डालोगे, तो ये कितने डिग्री की यहाँ एंगल बनाएगी, ये कितने डिग्री की यहाँ पे एंगल बनाएगी, दिस इज 90 डिग्री। अगर सर्कल के सेंटर से, अगर आप सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो वो क्या होगी, 90 डिग्री। सिमिलरली दिस इज सेंटर एंड दिस इज द टेंजेंट, सो इट विल ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, दिस इज रेडियस एंड दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट जो कि आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, और उसका यूज अभी अभी हम जो टॉपिक देखेंगे उसमें इन सब चीजों का यूज होगा। तो मैं इन सब को इरेज करता हूं। अब हम टेंजेंट, हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल लिया, दिस इज द स्टैंडर्ड सर्कल, मीन्स इसकी सेंटर क्या है, इसकी सेंटर क्या है, ओरिजिन। मैं यहाँ पे दिस इज ओरिजिन 0, 0, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होती है, 0, 0, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0। ओके, सो हाँ, ये यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं क्या, ये पॉइंट को आप क्या सपोज करो, x1, y1, ये x1, y1 एक ऐसी पॉइंट है, x1, y1, दिस पॉइंट इज पी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज, सॉरी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज x1, y1। ओके, ये हमने सपोज किया कि ये जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस इज एंड दिस इज ओरिजिन। ये क्या हो गई, ये रेडियस हो गई हमारी सर्कल की, ये क्या हो गई, रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, हाँ, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया जो रेडियस अगर टेंजेंट पे जाएगी, अगर रेडियस टेंजेंट पे जाएगी तो ये कितने डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री। ओके, सो पहले हम ये रेडियस वाले लाइन का हम स्लोप निकालते हैं, रेडियस जो है उसका मैं स्लोप निकालता हूँ। सो स्लोप ऑफ रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। आप पढ़े होंगे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1, दैट इज y1 - 0 is y1 अपॉन x1 - 0। ओके, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे दो पॉइंट एक लाइन का दिया गया है, तो हम इसकी मदद से हम स्लोप इस लाइन का निकाल सकते हैं। सो द स्लोप ऑफ रेडियस इज y1 अपॉन x1। ओके, स्लोप ऑफ रेडियस इज y1 अपॉन x1। सो वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स m मीन्स स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं एंड t स्टैंड फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो वी नो दैट इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन इज परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज
माइनस वन, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज माइनस वन। ये रिजल्ट हमने स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा। द प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन इज माइनस वन, द स्लोप ऑफ टू द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन इज माइनस वन। एम टी इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड एम आर इज द स्लोप ऑफ दिस रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द प्रोडक्ट ऑफ एम टी इंटू एम आर इज इक्वल टू माइनस वन। सो यहाँ पे हमें एम आर की वैल्यू हमें मालूम है। एम आर की वैल्यू क्या है? वाई वन अपॉन एक्स वन। वाई वन अपॉन एक्स वन इज द वैल्यू ऑफ एम आर एंड वन इज कॉन्स्टेंट, माइनस वन इज कॉन्स्टेंट। सो ओनली अननोन वैल्यू इज एम टी। एम टी इज ओनली एनी प्रॉब्लम? यस। सो ओके, नो प्रॉब्लम। यस। सो यस, सो हमें एम आर की वैल्यू हमें मालूम है, माइनस वन कॉन्स्टेंट एंड एम टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहां से आप एम टी की वैल्यू, आपको क्या आएगा? अपोजिट एम टी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन, माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन। यहां से आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी? माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन। तो अब मैं यहाँ पे बाकी चीजों को इरेज करता हूं, तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, एक मिनट, हाँ हमें क्या आ गई? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। अब मैं आपसे ये क्या थे? ये हमारे टेंजेंट थी। टेंजेंट पे एक पॉइंट था जिसको आपने x1 कोमा y1 कंसीडर किया था। टेंजेंट पे एक पॉइंट थी जिसको आपने x1 कोमा y1 कंसीडर किया, और इसकी स्लोप आपने क्या फाइंड किया? स्लोप इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1, माइनस x1 अपॉन y1 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये मैं यहाँ पे, ये मैं क्या बनाया हूँ? ये टेंजेंट बनाया हूँ, ये दिस टेंजेंट। ओके, यहाँ पे सर्कल भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको। हाँ, सर्कल भी मैं ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज द लाइन, जिस लाइन की यहाँ पे एक पॉइंट पी एक्स वन कोमा वाई वन आपको दिया गया है, और इसकी स्लोप क्या है? एक्स वन अपॉन वाई वन। सो इससे आप इस लाइन की इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। इस लाइन की इक्वेशन इतने से आप फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन क्या होगी? वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या होगी? वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन इज द वाई वन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एम इंटू एक्स, एक मिनट, एम इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स वन। ओके, तो यहाँ पे ये वाई वन और एक्स वन, ये यहाँ पे मैं ये डाला हूँ। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एम की वैल्यू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन। सो अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एम इज माइनस एक्स वन कोमा वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मेरे साथ साथ आप भी नोट डाउन करते जाओगे। यहाँ पे मैं क्या किया, एम का वैल्यू माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन डाल दिया। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये वाई वन को मैं इस साइड भेजूंगा, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो हमें क्या रिजल्ट यहाँ पे आएगी? इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो y इंटू वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर, माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर। यहाँ पे आप, एक मिनट, यस, सो
यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में ये वाई वन है, इसे मैंने लेफ्ट साइड LHS में भेजा, तो यहाँ पे y से y1 मल्टीप्लाई हुई तो y y1 हो गया, एंड y1 इंटू y1 इज y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x x x1 प्लस x1 स्क्वायर। सो यहाँ पे इतना रिजल्ट आया। इसे आप फर्दर अरेंज करोगे, इसे आप फर्दर अरेंज करोगे तो क्या होगा, इसे हम और अरेंज करते हैं आगे। होप आप नोट डाउन कर लिए होगे। तो ये होगी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, आपको ये इतना आएगा। एंड आप ये जानते हो एक्स, ये एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल में क्या पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे। ओके, सो हमारा यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक्स वन एंड वाई वन, एक्स वन एंड वाई वन इज द पॉइंट ऑन द सर्कल थ्रू विच टेंजेंट इज पासिंग। सो दिस इज द टेंजेंट ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू अ स्टैंडर्ड सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एट पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन ऑन इट। सो ये आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें आपको क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे, मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाना। सो यहाँ पे ये हमने क्या निकाला, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल की हेल्प से बता देता हूँ। ये हमारा एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल। सर्कल से मैं एक टेंजेंट पास करा देता हूँ। सर्कल से फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेंजेंट पास करा दिया। ओके, सर्कल से मैंने एक टेंजेंट पास करा दिया। ये दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्कल, मीन्स इसकी ओरिजिन क्या है, सेंटर क्या है, ओरिजिन। और इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, 2.3। दिस पॉइंट इज 2.3। सो दिस पॉइंट इज 2.3। सो यू हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो यू हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी इस केस में, यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अभी आपने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे एक्स वन क्या है, टू इज एक्स वन एंड थ्री इज वाई वन, टू इज एक्स वन एंड थ्री इज वाई वन। सो यहाँ पे एक्स वन के जगह पे आप टू लिखोगे, सो टू एक्स, वाई वन के जगह पे आप थ्री लिखोगे, थ्री वाई इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। सो दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज दिस पॉइंट। तो यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ये रेडियस निकाल लोगे। सो रेडियस क्या होगी, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, डेट इज 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, एंड 3 स्क्वायर इज 9। सो 2x+3y इज इक्वल टू √13 इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। मीन्स ये जो लाइन पास कर रही है इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2x+3y इज इक्वल टू √13। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, ओके, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2.3। सो ये हमने जो फॉर्मूला अभी देखा था, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये उस पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल था। आप फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब हम देखेंगे टेंजेंसी होने की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। होप आप ये समझ गए होंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट होने की
क्या कंडीशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी इसके बाद जो सभी टॉपिक्स आएंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सो अभी हम पढ़ेंगे टेंजेंसी होने की इक्वेशन, कंडीशन क्या होगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले फिर एक क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया। दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्कल, मीन्स इसकी सेंटर क्या है, ओरिजिन है। फिर मैंने एक क्या किया, एक एक टेंजेंट लिया जो कि किसी एक पॉइंट से पास कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, इस टेंजेंट की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक मिनट, यस हाँ, इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, इस टेंजेंट का इक्वेशन मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सपोज किया। मैं यहां पे लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक मिनट आप वेट करिए। सॉरी, यस, द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। ओके, सो अभी आपने जस्ट क्या पढ़ा है, अभी आपने जस्ट क्या पढ़ा है कि टेंजेंट, टेंजेंसी की ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो एक्स एक्स वन प्लस वाई, एक मिनट आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यस हाँ, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये अभी आपने पढ़ा, ये क्या थी, टेंजेंट की इक्वेशन थी। ये क्या थी, टेंजेंट की इक्वेशन थी। ओके, ये टेंजेंट की क्या थी, इक्वेशन थी। यहां पे मैं आर के जगह पे ए स्क्वायर लेता हूं। यहां पे रेडियस इस सर्कल की, इस सर्कल का रेडियस मैं यहां पे ए सपोज किया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन जस्ट हमने अभी डिराइव किया है। ओके, और यहाँ पे मैं माना क्या हूं कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हम इस लाइन की इक्वेशन को मैं कंसिडर किया हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसे मैं अरेंज कर देता हूं, इसे हम अरेंज करेंगे तो ये एम एक्स को मैं y को मैं आर एच एस में ले गया, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पे अरेंज कर दिया, y को आर एच एस में लेके गया। सो एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पे एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो।
ओके, यहाँ पे हम दो इक्वेशन मैं लिखा हूं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एम एक्स माइनस वाई प्लस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। एंड ऑल्सो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी डाल दूं जिसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, एक्स वन कॉमा वाई वन, तो यहाँ पे ये दोनों जो इक्वेशन है ये सिर्फ एक ही लाइन का है। मीन्स इस लाइन का इक्वेशन एम एक्स माइनस वाई प्लस इज इक्वल टू जीरो भी है, और इसी लाइन का इक्वेशन यह भी है कि एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दोनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। ओके, सो आप दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे, सो यहां पे आप कंपेयर करोगे, सो एक्स वन अपॉन एम, एक्स वन अपॉन एम मीन्स यहाँ पे एक्स और एक्स कॉमन है, तो एक्स वन अपॉन एम इज इक्वल टू रेशियो एंड प्रपोर्शन में ये चीज आप देखे होंगे, इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस वन, वाई वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाय सी। यहाँ पे इज इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ पे है, इसे मैं एल एच एस में ला दिया, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये ए स्क्वायर क्या था, आर एच एस में था, तो मैं इसे एल एच एस में ला दिया। तो इस दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कंपेयर किया, तो एक्स वन अपॉन एम इज इक्वल टू वाई वन अपॉन माइनस वन, वाई की कॉपिशियंट यहां पे क्या है, माइनस वन, एंड माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या, एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली, प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स दैट माई वॉइस इज क्लियर टू यू और नॉट। यस ओके, मेरे ख्याल से मेरा स्क्रीन शायद, एक मिनट, हाँ। सो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया। कंपेयर करके हमने क्या निकाला, एक्स वन डिवाइडेड बाय एम, एक्स वन डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू वाई वन डिवाइडेड बाय माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाय सी। तो इस हमें अब मैं इसे यहाँ तक होप आप नोट डाउन कर लिए होगे, तो यहाँ से हमें कितनी वैल्यूज आएगी, यहाँ पे यहाँ से हमें क्या क्या आएगा, यहाँ से हमें एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय सी। और यहां से वाई वन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, वाई वन की वैल्यू, मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां पे एक्स वन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, एक्स वन की वैल्यू आपको आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय सी। और वाई वन की वैल्यू क्या आएगी आपको, वाई वन की वैल्यू आपको आएगी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। ओके, मीन्स एक्स वन और वाई वन की हमें यहाँ पे वैल्यू आ गई। यहाँ पे एक्स वन और वाई वन यहाँ पे क्या था, एक आर्बिट्रेरी, कोई भी रेंडमली हमने एक्स वन कॉमा वाई वन एक पॉइंट लिया। सो यहाँ पे एक्स वन और वाई वन की हमें कुछ वैल्यूज आ रही है, हमें एक्स वन और वाई वन की कुछ वैल्यूज आ रही है। ओके, तो ये एक्स वन और वाई वन कहाँ पे लाई कर रही है, एक्स वन और वाई वन ये इस सर्कल पे एक पॉइंट हमने क्या लिया था, एक कोई पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन लिया था। ओके, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट ये क्या है, ये पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट है, एक्स वन की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय सी, और वाई वन की वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज, एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज ए, एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज ए।
और इस सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर एंड द रेडियस इज ए स्क्वायर। ओके, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ एक्स वन इज माइनस ए स्क्वायर बाय सी, द वैल्यू ऑफ वाई वन स्क्वायर इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी एंड ए इज कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ पे x1 का वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय सी, y1 का वैल्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। सो x1 की वैल्यू जब आप पुट करोगे, x1 की वैल्यू आप पुट करोगे माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय सी होल स्क्वायर प्लस प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। वाई वन की वैल्यू क्या है, वाई वन की वैल्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, वाई वन की वैल्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी इट इज इक्वल टू वाई वन एंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। सो द रेडियस इज वॉट, रेडियस इज ए स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये मैं क्या लिखा हूं, ये दिस इज एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक्स और वाई की, एक्स वन और वाई वन का मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं वैल्यू पुट किया। सो इसे आप स्क्वायर करोगे, इसे आप स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर ए टू द पावर फोर इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस अगेन ए टू द पावर फोर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ से आप कैंसिल करोगे कुछ चीजें तो आपको एक इक्वेशन आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी सॉरी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर मीन्स यहाँ से कैंसिल क्या चीजें होगी, ये ए स्क्वायर यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे भी क्या बचेगा, ए स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर लिख दिया प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया था तो यहाँ पे वन बचा था और ये सी स्क्वायर आर एच एस में गई तो यहाँ पे सी स्क्वायर आ गया। ओके, सो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी मीन्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ऐसी स्थिति हो जाए वेयर ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे क्या है, ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एम क्या है, एम इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, एम इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड सी इज व्हाट, सी इज द वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो कॉन्स्टेंट थी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो कॉन्स्टेंट थी यहाँ पे सी की वैल्यू ये है। तो अगर कोई लाइन का अगर आपको इक्वेशन दिया गया है, अगर आपको कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया गया है और आपसे और सर्कल का भी इक्वेशन दिया गया है, ओके, अगर आपको एक लाइन का इक्वेशन फॉर एग्जांपल 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये आपको एक लाइन की इक्वेशन दी गई है और एक सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ओके, ये क्या है, पहला वाला क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि वेदर दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल और नॉट, ये जो लाइन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 इज इट टेंजेंट टू द सर्कल और नॉट, तो ये आपको पता करने के लिए क्या करना होगा, आपको आपको इस लाइन की स्लोप निकालोगे तो स्लोप स्लोप क्या हो जाएगा, आपको m आ जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट आपको क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये कांस्टेंट रहा 5, इसे आप LHS में ये आपकी कांस्टेंट आ गई एंड ए स्क्वायर इज व्हाट, ए स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो अगर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये वाली लाइन इस सर्कल पे क्या होगी, टेंजेंट होगी। हम फर्दर और भी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पे हम सॉल्व करेंगे, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। सो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसे हम थोड़े और आगे ले चलते हैं। यहां से आप क्या करोगे, यहां से आपको सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर था, क्या था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ ऐसी चीज थी। तो अगर यहां से हम सी स्क्वायर का स्क्वायर हम अगर कैंसल करके इसे हम रूट बना देंगे, तो यहाँ पे हमें रूट की कितनी वैल्यू होती है, दो वैल्यू होती है। आप पहले पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टू टेंजेंट विद द सेम स्लोप, एक स्लोप से कितने टेंजेंट होगी, टू स्लोप। ओके, एक स्लोप से कितने टेंजेंट होगी, टू टेंजेंट। जैसे ये सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, तो और एक टेंजेंट यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ, एक अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो इसकी जितनी स्लोप होगी, ऐसे ही एक और टेंजेंट ऐसा होगा जिसका भी सेम स्लोप होगा। ओके, तो ये कहाँ से वेरीफाई होता है, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस कहने का मतलब एक बार प्लस रूट अंडर और एक बार सी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। सो यहाँ पे मेन हमारा ये है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सो हमने इसमें अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया, एक सर्कल की सर्कल सर्कल का एक सर्कल का एक टेंजेंट है जिसे हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कंसिडर किया। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टच टू द सर्कल इज पी एक्स वन कॉमा वाई वन। सो द y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इक्वेशन इज एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए वन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये वाली डेरिवेशन हमने जस्ट अभी पहले पढ़ा कि व्हाट इज द टेंजेंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सो यहाँ पे दो इक्वेशन आई और दोनों इक्वेशन एक ही लाइन का है, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन की है, तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। सो कंपेरिजन करने पे हमें क्या होगी, एक्स वन अपॉन एम इज इक्वल टू वाई वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय सी। आप इसे अपोजिट भी कर सकते हो, एम अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस ए स्क्वायर, आपको इक्वल ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से हमें एक्स वन की वैल्यू और यहाँ पे हमें अननाउन क्या सब है, यहाँ पे एक्स वन इज अननाउन एंड वाई वन इज अननाउन, तो हमें यहाँ से एक्स वन की वैल्यू आएगी और वाई वन की वैल्यू आएगी। सो द वैल्यू ऑफ एक्स वन इज माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी एंड द वैल्यू ऑफ वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी एंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वन इसीलिए लिखा हूं क्योंकि ये वाली सर्कल कोई एक ऐसे पॉइंट से पास कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन कॉमा वाई वन। सो एक्स वन का वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय सी, वाई वन का वैल्यू हम पुट करेंगे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। सो हमें कुछ रिजल्ट आएगी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये टेंजेंट होने की क्या है, कंडीशन है। मीन्स मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर आपको एक सर्कल दे दिया जाए और एक सर्कल की इक्वेशन दे दी जाए और एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि वेदर चेक वेदर दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल और नॉट। सो आपको क्या करना है, ये वाले कंडीशन वहां पे लगाने हैं, ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ओके, दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सो ये टेंजेंसी की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सभी लोग समझ पाए क्या, कंडीशन ऑफ
टेंजेंसी, सभी लोग समझ पाए, किसी को कुछ क्वेरी भी है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में तो आप अभी पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करूंगा। यस ओके। सो ये अभी हम क्या पढ़ रहे थे, टेंजेंसी की कंडीशन हम पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि एक लेट अस सपोज एक आपको सर्कल दे दिया जाए, एक ये सर्कल है। तो अभी हमने क्या देखा कि सर्कल के किसी किसी एक पॉइंट पे ये आपको पी एक्स वन कॉमा वाई वन दिया था। ओके, तो ये वाला केस अभी हम देख रहे थे। तो अब क्या है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये एक पॉइंट जो सर्कल से आउटसाइड है, जिसको मैं पी एक्स वन कॉमा वाई वन सपोज किया, एक्स वन कॉमा वाई वन। ओके, तो इस पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट होंगे ये हमें पढ़ने हैं। तो सर्कल से आउटसाइड ये पॉइंट है, तो फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड इन द सेम प्लेन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, मींस यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो मैं आपको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे दिस इज वन टेंजेंट एंड हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया। मैं इसका नाम T1 दे दिया, इसका नाम T2 दे दिया। दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल हैविंग सेंटर O। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, आप ये याद रखोगे कि कोई भी सर्कल से बाहरी बाहर का पॉइंट है तो उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ये आप क्लास 9th और 10th में ये चीज आप पढ़े होंगे। सो लेट अस सपोज द स्लोप ऑफ T1 इज m, द स्लोप ऑफ T1 इज m। ओके, द स्लोप ऑफ T1 इज m, और आपको ये मालूम होने चाहिए कि रेडियस टेंजेंट पे हमेशा कितनी एंगल बनाती है, 90 डिग्री। कितनी एंगल बनाती है, 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच की एंगल क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ एम इज द स्लोप ऑफ T1, एम इज द स्लोप ऑफ T1। सो अगर हम इस T1 टेंजेंट का अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो वी हैव स्लोप एंड द पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन। तो हम यहां से इस स्लोप का हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन हमें कुछ इस तरह आएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इज द स्लोप एम एक्स माइनस एक्स वन। सो ये क्या आया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्लोप, दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस स्लोप। ओके, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, थोड़े मैं अच्छे से लिखता हूं, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। सो इसे ये हमारा हो गया। तो अब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम ये आप मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस y1 वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन। ये मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट को यहां से मैं तोड़ दिया, मैं ब्रैकेट को मैं ब्रेक कर दिया। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन। मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते जाओगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये y1 वन को मैं RHS में भेज दूंगा, y1 वन को RHS में भेज दूंगा। सो हमें यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगी,
y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू mx माइनस mx1 प्लस y1। तो यहां पे एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, y mx एंड c, मीन्स ये हमारा क्या आया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसे आप इस तौर पे कंपैरिजन कर सकते हो, एक मिनट, शायद आपको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं दिख रहे होंगे तो मैं थोड़ा हटा के लिखता हूं, y एंड y, हाँ। तो मैंने क्या किया, ये y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस mx1, ये y1 को आप RHS में लेके चले जाओ तो y इज इक्वल टू क्या आपकी आएगी, mx माइनस mx1 प्लस y1, y इज इक्वल टू mx माइनस mx1 प्लस y1, ये आपकी क्या हुई, इक्वेशन हुई। एंड यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू यहां पे क्या होगी, यहां से आपकी c की वैल्यू क्या होगी, c इज इक्वल टू माइनस mx प्लस y1, c की वैल्यू क्या होगी, माइनस mx1 प्लस y1, ओके। ये क्या यहां से हमने निकाला, हमने यहां से क्या निकाला, c का वैल्यू हमने यहां से फाइंड किया, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ओके, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c, हाँ, यहां से हम क्या किए, c का वैल्यू हम फाइंड किए, c का वैल्यू हमने यहां से क्या किया, हमने यहां से c का वैल्यू फाइंड किया। अब हमें क्या मिला, c का वैल्यू हमें यहां पे मिल गया, c का वैल्यू हमें यहां पे मिल गया, तो एक मिनट, यहां से हमें c का वैल्यू मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू हमें मिल गई, तो अभी हमने जस्ट हमें अभी हमने क्या पढ़ा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने अभी जस्ट पढ़ा, हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले क्या पढ़ा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमें, हम यहां पे फिर से देखते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो मैं इसे लिख रहा हूं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड सी की वैल्यू यहां पे क्या आई, सी की वैल्यू यहां पे क्या आई थी, सी की वैल्यू आपने माइनस एम एक्स वन, सी की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया, माइनस वाई वन माइनस एम एक्स वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। एंड यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर, सो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, वाई वन माइनस एम एक्स वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इज वॉट, ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एम इज वॉट, एम इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट प्लस ए स्क्वायर। सो अब क्या करोगे, वाई वन माइनस एम एक्स वन का होल स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसे हम क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे मैं इसे क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम इसे क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। सो a स्क्वायर इज y1 स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab 2ab, यहां पे माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस रिमेन एज इट इज, मीन्स आर एच एस में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई वन माइनस एम एक्स वन का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसे मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी पे ब्रेक किया, ओके, मैंने इसे ब्रेक किया। तो इसे हम फर्दर अरेंज करेंगे, इस इक्वेशंस को मैं फर्दर अरेंज करूंगा, तो
मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि एम स्क्वायर को एक साथ लेके जाएंगे, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर को आप एक साथ रखोगे, और एम एम यहाँ पे है सिंगल, और वाई वन एंड ए वन ये एक साथ रहेगा, एम स्क्वायर वाला एक साथ, एम वाला एक साथ, और वाई वन स्क्वायर ए स्क्वायर एक साथ। तो इसे आप फर्दर अरेंज करोगे तो आपको क्या आएगा, एक्स वन माइनस ए, एक्स वन माइनस ए इंटू एम स्क्वायर माइनस टू एक्स वन वाई वन इंटू इंटू एम प्लस वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला एम स्क्वायर की क्वांटिटीज को आप एक साथ रखो, तो यहाँ पे एक्स वन स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर यहाँ पे क्या है, एक्स वन स्क्वायर एक्स वन माइनस ए, एक्स वन माइनस ए इंटू एम स्क्वायर माइनस टू एक्स वन वाई वन इंटू एम प्लस वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, ये क्या है, दिस इज वॉट, दिस इज ए एम स्क्वायर माइनस ये, इसे मैं बी मान लेता हूँ, बी एम, एंड इसे मैं सी मान लेता हूँ, सी इज इक्वल टू जीरो। सो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मीन्स यहाँ पे ये जो इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप छोटे पढ़े होंगे सम ऑफ रूट इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाय ए, ये आप क्लास 9th में मेरे ख्याल से आप पढ़े होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाय ए, दिस इज फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टू रूट्स होती है, देर आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो द सम ऑफ रूट इज, सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाय ए माइनस बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई ए। सो हम सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, बाकी चीजों को मैं इरेज कर रहा हूँ, सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो वी कैन फाइंड द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, वी कैन फाइंड द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो सम ऑफ रूट दैट इज एम वन प्लस एम टू इज द टू रूट, एम वन और एम टू यहाँ पे क्या है, दो रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगी, माइनस बी बाय ए, सो माइनस टू एक्स वन वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस ए स्क्वायर, एक्स वन माइनस ए स्क्वायर, दिस इज द सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इज एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सो बी इज व्हाट, बी यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सो द सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस टू एक्स वन वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस ए स्क्वायर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज व्हाट, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट को आप क्या लिखोगे, एम वन इज फर्स्ट रूट एंड एम टू इज सेकेंड रूट, सो एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। सो सी यहाँ पे क्या है, सी इज वाई वन माइनस ए स्क्वायर, सो सी बाई ए, तो वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज सी डिवाइडेड बाई ए, एंड द वैल्यू ऑफ ए इज वॉट, द वैल्यू ऑफ ए इज एक्स वन माइनस ए स्क्वायर, एक्स वन माइनस यहाँ पे एक्स वन स्क्वायर होने चाहिए और ए स्क्वायर होने चाहिए, एक मिनट लगता है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं, मैं कहीं पे मैं गलती तो नहीं किया हूं,
एक्स वन स्क्वायर आएगा एंड ए स्क्वायर में है। यस सो हाँ हाँ यहाँ पे एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे आएगी। ओके यहाँ पे स्क्वायर में मिस कर गया था। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज वाई वन माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट एम वन इंटू एम टू। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, हम फिर स्टार्टिंग में टॉपिक पे हम चलते हैं। सो हम पढ़ क्या रहे थे कि एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट है, सर्कल के बाहर में एक कोई पॉइंट है। ओके तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट, मैं आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट जो कि सर्कल से बाहर है और सेम प्लेन में है, तो उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट, सिर्फ और सिर्फ टू टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ना ही एक टू से कम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और ना ही टू से ज्यादा। Only two tangent can be drawn from a point outside of a circle and in same plane. So यहाँ पे तो यहाँ पे दो tangent draw होगी। तो पहली वाली tangent की अगर slope आप m1, अगर slope पहली वाली tangent की m1 है और दूसरी वाली tangent की slope क्या है m2 है। Okay. Thus the tangent of the first slope is m1 and the tangent of second tangent is m2. यहाँ पे दोनों दोनों लाइन की स्लोप यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट होगी, बिकॉज इट्स इंक्लाइनेशन इन दिस डायरेक्शन एंड दिस लाइन्स इंक्लाइनेशन इज इन दिस डायरेक्शन। ओके सो द स्लोप शुड बी डिफरेंट। सो एम वन इज द स्लोप ऑफ टी वन टेंजेंट वन एंड एम टू इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू। सो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, हमने यहाँ पे फाइंड किया एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू और एम वन इंटू एम टू मीन्स स्लोप, स्लोप का सम और स्लोप का प्रोडक्ट। सो इस पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से दोनों लाइंस के दोनों लाइन का हम स्लोप फाइंड करेंगे। सो ये क्वेश्चंस मींस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो इट इज 7:56 पीएम नाउ। ये हाँ तो ये जो टॉपिक था हमारा टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, क्या आप समझ पाए क्या? इसके बाद हमारा एक टॉपिक डायरेक्टर सर्कल बचा हुआ है। मैं आपको डायरेक्टर सर्कल 7:57 पीएम मैं बहुत ही कम समय में आपको डायरेक्टर सर्कल बताने की कोशिश करता हूं। नहीं, डायरेक्टर सर्कल हम अगले क्लास में देखेंगे। ओके सो हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक डायरेक्टर सर्कल बचा हुआ है। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि डायरेक्टर सर्कल आखिर में होता क्या है। लेट अस सपोज ये क्या है, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल। ओके ये क्या है, एक सर्कल है और यहाँ से एक यहाँ से एक टेंजेंट गए और एक मीन्स इस पॉइंट से दो टेंजेंट गए, इस पॉइंट से दो टेंजेंट गए। ओके इस पॉइंट से दो टेंजेंट गए तो ये वाले से एक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक मिनट में आपको स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्टर सर्कल। तो हम अगले क्लास में डायरेक्टर सर्कल, अगले क्लास में हम डायरेक्टर सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप क्या करोगे, जो अभी हमने टेंजेंट का बताया है आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक डायरेक्टर सर्कल बचा हुआ है जिसका हमें जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके सो मैं आपके बुक में चलता हूँ कि आपको क्या क्या बनाने हैं। सो एक्सरसाइज 6.2 के बाद आज मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, टेंजेंट हमारा टॉपिक था। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सॉल्व्ड एग्जांपल, हाँ पेज नंबर 134 में जो सॉल्व्ड एग्जांपल है वो आप देख लेना, और एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5,
एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपको सॉल्व करके आने हैं। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको नहीं बताया हूँ, अगले क्लास में मैं आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन बता दूंगा। सो सिर्फ दो टॉपिक पैरामेट्रिक और डायरेक्टर सर्कल हमारा रह गया है, उसके बाद ये हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके सो इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। सो हमारा क्लास यहीं पे आज एंड होता है।